मैं अभी केदारनाथ ट्रेक करके ही जा रहा हूँ। आप लोग सोच रहे मैं कैसे पहुँच गया। आज है 30 अक्टूबर 2020 और आज मेरा पहला दिन है केदारनाथ यात्रा का। अभी मैं जा रहा हूँ हरिद्वार और आज की रात हरिद्वार में रुकने के बाद मैं कल फिर सुबह निकलूँगा सोनप्रयाग के लिए। फिलहाल मैं पहुँच रहा हूँ पानीपत बस लेके और पानीपत से दूसरा बस लेके मैं पहुँचूँगा हरिद्वार। आप देश के अलग अलग जगह से हरिद्वार या ऋषिकेश तक पहुँच के एक दिन स्टे करने के बाद अगले दिन आप निकलिए अलग अलग स्थानों के लिए। तो ये है पानीपत बस स्टैंड जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ और हरिद्वार तक जाने के लिए मुझे यहाँ से और एक बस लेना पड़ेगा। तो मुझे मिल गया और एक बस और मैं अभी जा रहा हूँ हरिद्वार। हरिद्वार और मैं टिकट बुक करने जा रहा हूँ। मुझे फ्रंट में मिलेगा फिर मुझे रिकॉर्ड होगा कैबिन में ड्राइवर के सामने। हाँ साथ सामने से मिलेगा तो शीशे के सामने मिल जाएगा केबिन में। क्या करना कुछ फोटोग्राफ करना है। तो ये है GMOU लिमिटेड जहाँ से मैं अभी एक बस का टिकट बुक करूँगा और कल मैं जाऊँगा सोनप्रयाग। मैं अभी हरिद्वार में हूँ और मैं बात कर रहा हूँ गोमो के जहाँ से बस छोड़ती है मतलब उत्तराखंड के अलग अलग चार धाम के लिए। तो क्या फेयर है इसका? 510 रुपये। हाँ तो ये फिक्स है। फिक्स है। मतलब ये कोविड के लिए क्या बड़ा है या ना ऐसे ही रेट है? ये तो 100 रुपये एक्स्ट्रा इसलिए बड़ा है कि माया टीडी होके जा रही है। अच्छा एक्चुअल किराया है। एक्चुअल अच्छा पहले था, पहले इंक्रीज था उसके लिए कोविड की वजह से, अब नहीं है। और सेम डेट है। और मतलब टाइमिंग वहाँ पहुँचने का मतलब रास्ते का काम चल रहा है मेरे ख्याल से। हाँ सुबह रिपोर्टिंग है आपकी 3:30-4:45। नेक्स्ट नंबर है UK 15PA 0187। कहाँ आना है मुझे? यही पर मतलब नियरेस्ट रहिए ताकि आपको आने में दिक्कत ना हो, नहीं तो फिर ऑटो करना पड़ेगा। सुबह नहीं 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 मैं GMO इंचार्ज हरिद्वार हूँ। सोनप्रयाग गौरीकुंड के लिए और बद्रीनाथ के लिए गाड़ियाँ भेजते रहते हैं। हमारी जो गाड़ियाँ हैं सुबह 4 बजे तो यहाँ से सोनप्रयाग के लिए जाती है और 4:15 बजे हम यहाँ से बद्रीनाथ के लिए गाड़ियाँ छोड़ते हैं। सुबह 4 बजे तो सोनप्रयाग है और 4:15 बजे जोशवा टॉली है बद्रीनाथ। उसके अलावा भी अन्य ब्रांचों में गाड़ियाँ जाती रहती हैं हमारी, जैसे कि हम नागजगई है, भनज है, ऊखीमठ है, पोखरी है और रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग की भी ब्रांच है, सर्विसें तो जाती रहती है हमारे यहाँ से। तो उसका टाइमिंग भी है यहाँ पे, हम लगभग लगभग जो है दिन में 1:30 बजे तक गाड़ियाँ यहाँ से डिपार्चर करते रहते हैं। टाइमिंग की गाड़ियाँ हैं, हर 15-20 मिनट में गाड़ियाँ यहाँ से डिपार्चर होती रहती अन्य अन्य मार्गों के लिए और अन्य अन्य स्थानों के लिए। सोनप्रयाग तक का किराया तो हम यहाँ इस समय 510 रुपये और जोशीमठ का 650 नहीं सॉरी बद्रीनाथ का 650 और जोशीमठ का जो है 600 रुपये ले रहे हैं। जहाँ से मैंने अभी टिकट बुक किया इसी के बगल में मुझे एक होटल मिल गया, होटल राही जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के है और GMBN का है। हो गया ना? मुझे पता चला कोविड के लिए अभी खाली है होटल और मुझे एक कम खर्चे में सस्ते में एक रूम मिल रहा है और वो कैसा है आपको मैं दिखाता हूँ। आपका नाम? नरेंद्र नाम। अच्छा मोबाइल नंबर डालते। अच्छा तो ये है होटल राही का मेरा आज रात का रुकने का जगह। तो ये है मेरा रूम का नज़ारा कुछ और इसका जो रेट है, इसका जो प्राइस मुझे पड़ा बहुत डिस्काउंट के साथ, क्योंकि ये नॉर्मल 1000 रुपीज़ चार्ज करते ये, तो मुझे 600 में ये इन्होंने मुझे दे दिया। तो मैं अभी जस्ट फ्रेश होके आगे निकलता हूँ हर की पौरी घाट के लिए और यहाँ पर शाम को जो आरती होती है वहाँ पर मुझे देखना है किस तरीके से आरती होता है।
नदी में पानी नहीं है, बहुत ही कम पानी आ रहा है क्योंकि इसमें साफ सफाई हो रही है। ये पानी दिवाली से 2 दिन पहले छोड़ी जाती है। और ये है हर की पौड़ी घाट, और बहुत ही फेमस ये घाट है और लोग बैठे हैं। आप यहाँ कैसे बैठ सकते और पूजा भी दे सकते। हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड पर, नीचे बैठने। थैंक यू। गंगा मैया की, साक्षी ने संकल्प लेते हैं कि पतित पावनी माँ गंगा की जल की पवित्रता एवं निर्मलता बनाए रखने हेतु गंगा जल को प्रदूषित नहीं मल गंगे मैया। देर से ही मैं ये आरती देख रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आप लोग भी जब आएंगे तो आपको भी ये अच्छा लगेगा। तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ पूरी खाने के लिए, तो मोहन जी की पूरी जो यहाँ बहुत फेमस है, और ये मेरा आज का डिनर होगा। तो केदारनाथ के लिए पहले मुझे जाना पड़ेगा सोनप्रयाग, ट्रेक करूँगा, और उसके लिए जो प्रोसीड्योर है, किस तरीके से जाना है, ये डिटेल में आपको बताऊँगा। कल मुझे सुबह 3 बजे निकलना है, तो अभी मुझे रेस्ट करना है। 9 बज रहा है, ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। मैं अभी घूम रहा हूँ दूर में, शायद आप लोग देख रहे हैं ये जो बस है, इसी बस से मैं ट्रेवल कर रहा हूँ।